नमस्कार, शाहजी गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा कि मैंने अपने अमरूद के पौधे को किस तरीके से मेंटेन करके रखा है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद लिए हैं, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने नींबू के पौधों पर ज़्यादा और जल्दी नींबू कैसे पा सकते हैं। कुछ लोगों की ये भी शिकायत होती है कि उनके नींबू के पौधे में फूल तो बनता है, लेकिन छोटे छोटे नींबू आने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे इन्हीं सारी समस्याओं पे चर्चा करेंगे। आप भी अपने नींबू के पेड़ पे जिन तरीकों को मैं बताऊंगा, उन तरीकों को अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा नींबू और बड़े साइज़ का नींबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपने घर के गमले में, छोटे से गमले में ये नींबू का पौधा लगा रखा है, और आप देख सकते हैं कि ये कितना घना और इसमें बढ़िया बढ़िया नींबू आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये अभी छोटा सा ही पौधा है और इसमें अभी मैं आपको बताऊं तो 30 से 35 नींबू इसमें लगे हुए हैं। ये पौधा मैं नर्सरी से ख़रीद करके लाया था। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी काम, अगर आप भी अपने नींबू के पेड़ से ज़्यादा नींबू पाना चाहते हैं तो आप इसे ज़मीन में लगाएं। अगर आप इसको ज़मीन में नहीं भी लगाते हैं या आपने इसको गमले में लगाया है तो इसकी मिट्टी को अच्छा बनाइए, उपजाऊ बनाइए। और अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं तो आप 12 से लेकर के 20 इंच तक के गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी मिट्टी देखिए आप। मैं इसको कम पानी देता हूँ क्योंकि नींबू के पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, नमी बना करके रखिए, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करता रहता हूँ। तो आप ये देखिए, जैसे यहाँ से प्रूनिंग करी तो नई नई ब्रांचेस निकलने लगती है। अगर आप भी अपने पौधों पे टाइम टू टाइम प्रूनिंग करेंगे तो आपके पौधों पे एक तो आपका पौधा घना बनेगा, और पौधा दोस्तों जितना घना होगा उसमें उतने ही ज़्यादा फूल या फल आएंगे। दूसरी चीज़, आपको इस पे पानी का ध्यान रखना है। और दोस्तों, नींबू के पौधों में अक्सर कई प्रकार के कीड़े लगने लगते हैं, तो दोस्तों इसको कीड़े से बचाने के लिए आप हल्दी, जो आपके किचन में आसानी से मिल जाती है, उसको अपनी मिट्टी में मिला करके इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करें। और दूसरे तरीके में आप हल्दी को पानी में मिला करके इस पौधे पे अपना छिड़काव करें। हल्दी को पौधों पे कैसे यूज़ करें, मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, आप वहाँ से जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इन्हीं सारी टिप्स को फॉलो करके, आप ये देखिए कितने बढ़िया नींबू आ रहे हैं इस पे, और इनमें से सारे नींबू तैयार हो जाएंगे तो मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा। दोस्तों, जो जिन लोगों के पौधों पे फूल बन करके और फल नीचे गिर जाता है, वो सबसे ज़रूरी काम ये करें कि जब भी आपके पौधों पे फल लगना तैयार होता है तो उसको पानी देना कम कर दें, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पौधे की जो ग्रोथ होती है, अगर हम उसमें ज़्यादा पानी देंगे तो वो ग्रो करेगा। तो जो आहार हमारे इन फूलों को, फलों को मिलना चाहिए, वो हमारा पौधा अपनी ग्रोथ में खर्च कर देता है, जिसके कारण कि पौधा ऑटोमेटिक नींबू गिरा देगा नीचे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए शाहजी गार्डन के साथ, अपना प्यार इसी प्रकार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।